चाहे जो भी चल रहा हो, चलना एकदम ओपी चाहिए, ध्यान रखना क्या चल रहा है। बोले सर जेई का माहौल चल रहा है और अगले साल अपना नाम चल रहा होगा मार्केट में। एटीट्यूड मतलब वही होता है ना कि जो आदमी अपने लिमिट से बाहर जाकर बोलना स्टार्ट करे। बोले सर आप अभी एटीट्यूड बोलो, इसको कोई बात नहीं, बट इसी को ही आप मेरा कॉन्फिडेंस बोलने लगोगे जब मैं रिजल्ट ला के दिखाऊंगा। और जो लोग ये सब लिख रहे हैं स्ट्रेस डिप्रेशन एंड ये सब बातें हैं जो, तो देखो भाई ऐसा है कि स्ट्रेस सभी के साथ है, मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं। कोई एक ऐसा इंसान, एक भी बच्चा ला के दिखा दो जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? क्योंकि जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं वो चाह रहा है कि मैं अब रैंक वन लेके आऊंगा। जिसका बैकलॉग है वो चाह रहा है कि सर मैं बैकलॉग कंप्लीट करके बाकी दुनिया के बराबर आऊंगा। तो सब लोग अपना अपना लेवल इंप्रूव करना चाह रहे हैं और बिना स्ट्रेस के वो हो नहीं सकता, आप मेरी बात मानिए। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज वेरी नेसेसरी, बिकॉज स्ट्रेस जो है वो हमें कीप गोइंग सिचुएशन में रखता है या रखती है, जो भी है, ठीक है? तो जब हमारे पे स्ट्रेस नहीं होगा, हम रिलैक्स्ड होंगे, तो हम कभी काम करेंगे ही नहीं, समझ में आया? तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो अच्छा है, उसको बढ़ने मत दीजिए। सर वो बढ़ेगा कब? जब हम उसके प्रोपोर्शन में काम ना करेंगे तब बढ़ेगा, समझ में आएगा? नहीं समझ में? स्ट्रेस तब बढ़ेगा जब हम उसके प्रोपोर्शन में काम ना करेंगे, समझ में आया? तो काम करके ही हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और ये सब तो जीवन का पार्ट है, बिल्कुल सही बोला, ठीक है? हाँ, जीवन का पार्ट है, सबको होता है। कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं। जो बोलते नहीं इसका मतलब ये थोड़ी उनको है नहीं, चीजें तो वो भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो वो भी पीछे हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली तो आप बोल ही सकते हैं सबसे आगे कौन है, एलन मस्क आया ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी से पीछे है, आप घबराए नहीं, ठीक है? तो सब लोग अपने आप को लगे हुए हैं और सब लोग अपने अपने स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, और जब वो काम कर रहे होते हैं तब स्ट्रेस उन पे हावी नहीं होता, जब काम नहीं कर रहे होते तब हावी हो जाता है। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा, सच में कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम, ठीक है? डर सबको लगता है, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, डर में और फियर ऑफ फेलियर में सभी लोग हैं, बट उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे बैठ जाएं बोले अब क्या करूं। बोले कुछ नहीं, इससे बाहर निकलने का तरीका खोखली बातें और वो सब नहीं है जी, एक ही तरीका है, आपको पढ़ना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा जिससे आपको डर लग रहा है, तब वो डर का